Hello students and welcome back to Bankexamstray.com. My name is Ramandeep Singh, and today I'm going to tell you the questions asked in the Central Bank of India scale 3, scale 4 interview in 2022, 2022, so when they went for an interview, kuch common questions. So that's what I'm going to tell you, and how you should answer it. That's what I'm going to tell you. One most important thing that you should have is confidence.

Uh, before moving to the question, let me tell you, my name is Ramandeep Singh and I have been teaching on bankexamstudy.com from last 12 years. And this is my WhatsApp number in case there is any doubt in your mind, just drop me a WhatsApp message. And Central Bank of India Scale 3, Scale 4 interview preparation course is available. Uh, mock interviews are included in which uh, you will be having a discussion with the experts. I will talk to phone Zoom calls. So that's a good आई यू नो सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो क्लासेज आर देयर इन विच वी आर कविंग द इंटायर सिलेबस अ प्रॉपर कैप्सूल इज ऑल्सो देयर लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बार बार बता चुका हूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यहाँ पे टेल मी योर नेम नेम आ गई आपकी सिटी आ गई राइट right? नेम सिटी योर एजुकेशन योर एजुकेशन योर वर्क एक्स सो इन दिस मैनर ये सी सिंक्रोनोलॉजी uh, में आपको इसी पैटर्न में आपने बताना है नेम सिटी एडुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस एक करके आपने ये बताना है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड इन द लास्ट एग्जाम्स दिस वाज आस्ट व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते क्या हो सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर ब्रांचेज कितनी हैं हाउ मेनी ब्रांचेज आर दे हेड ऑफिस कहाँ है हेड ऑफ़िस वेर इज़ द हेड ऑफिस इट इज़ अ पी एस यू हेड ऑफ़िस कहाँ पे है ग्रोथ uh, कितना हो रहा है ग्रोथ uh, कितना हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का uh, आप जा रहे हो एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट देख के जाएँ क्वार्टरली रिजल्ट आप एक बार देख के जाएँ हु इज़ द सी एम डी और सी ई ओ हेड जो है यू शुड नो अबाउट दम राइट और एनी एनी न्यू प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट ये ला रहे हैं या कोई नया यू नो इनोवेशन किया है कोई नया इनोवेशन या नया प्रोडक्ट इज़ देयर यू शुड नो अबाउट दैट सो ब्रांचेस हाउ मेनी ब्रांचेस दे हैव हाउ मेनी मैनी द हेड ऑफिस लोकेशन व्हाट इज़ द ग्रोथ ग्रोथ कितना हो रहा है इनका रिसेंट क्वार्टर्स में रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट पड़े सी एम डी सी ई लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च इनोवेशन और एनी एम डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद एनीम टेक कंपनी और एनी गवर्नमेंट ये आपको करके चलना है ठीक है सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट यू शुड नो दैट अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिछली बहुत सारी इंटरव्यूज में uh, इन्हीं इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए सो दैट्स योर होमवर्क ओके व्हाट इज गुड विल एंड पैटेंट पेटेंट या पैटेंट बोलते हैं इसको हाउ दे आर ट्रीटेड इन अ बैलेंस शीट

इनटेंजिबल है यू कैंट सी दैट दिस इज़ नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बट इट इज़ एन इनटैंजिबल एसेट सो बैलेंस शीट आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस uh, शीट में देर आर वेरियस आइटम्स कैपिटल है एक साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटी दूसरी साइड पर एसेट्स हैं तो यू शुड नो दैट बेसिक बैलेंस शीट का अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके यू शुड डो दैट टेल इज़ अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपने काम किया है यू आर वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ोडा सेंट्रल और बैंक ऑफ इंडिया स्केल वन और मे बी एक्सिस बैंक एच डी एफ सी बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑर्गेनाइजेशन आप पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे जहाँ भी काम कर रहे थे वट एवर पोजिशन पे एंड देन दे विल आस्क यू इन विच प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे थे आप कौन से बैंकिंग ऑपरेशन में थे या क्या कर रहे थे राइट एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अबाउट दीज टॉपिक्स इफ यू आर इंटू किसान क्रेडिट कार्ड दे आर गोइंग टू आस्क्यू क्वेश्चन अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड्स इफ यू वर इंटू सी सी दे आर गोइंग टू आस यू क्वेश्चन अबाउट सी सी इफ़ यू आर अ रिलेशनशिप मैनेजर दे आर गोइंट टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दैट तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी बहुत सारी वॉट एवर द प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग विद राइट नाउ If you are already working in a bank from last two, three years, four years, five years, so uh, you need to think about it that whichever product you are dealing with ek ya do teen product jisme bhi aap deal कर रहे हो uh, learn deep deeply about that उसके बारे में कोई R B A की guidelines circular है वो आपको deeply पता होनी चाहिए उसके बारे में आप जान लीजिए that's really really important work experience जो भी है आपका पिछली organisation में वो और उसमें आप ज, आ, उस प्रोफाइल पे आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे थे बैंकिंग ऑपरेशन में कंप्लायंस में आ, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेकर जाइए क्योंकि बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग इसके बारे में होने वाली है फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट होगी है ना नो no, ना होने का कोई चांस नहीं है आर यू रेडी टू रीलोकेट क्या आप यू नो इफ़ यू आर इफ़ यू हैव एन हाउस इन डेली आप हो डेली के एंड दे आज क्योंकि कैन यू गो टू केरला यू शुड ऑलवेज से येस

वॉट इंटरेस्ट रेट दिस इज द क्वेश्चन आज इन द प्रीवियस इंटरव्यू वॉट इंटरेस्ट रेट इज चार्जड ऑन इंटर बैंक बॉरविंग्स इंटर बैंक बॉरविंग्स में कौन सा इंटरेस्ट रेट कैसे इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं अगर एक्सिस बैंक एच डी एफ सी से लोन ले रहा है सो देर इज़ माई बॉर माई बॉर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है ठीक है मुंबई इंटर बैंक इस रेटेड इस रेट पर जो है इंटरेस्ट जो है ओवर रेट्स आपका कैलकुलेट होता है राइट right? सो माइबर इज देअर लाइबर को यूज़ करना बंद कर दिया गया है माइबर यूज़ करते हैं सो दैट्स अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन ये सिंपल से क्वेश्चन मॉनिटरी पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं आर बी आई की गाइडलाइंस आर बी आई सर्कुलर्स वेरी कॉमन क्वेश्चन आर बी आई सर्कुलर्स एंड मास्टर्स सर्कुलर्स स्पेशली इफ़ आई टेल यू प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग पी एस एल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई वुड से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर कोपेशन कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम्स हैं मुद्रा योजना सुकन्या समृद्धि योजना अटल व्य वंदना योजना एन पी एस पी पी एफ टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आई बी वगैरह एक आई बी सी सरफाईसी एक्ट दे रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज राइट so central bank of india scale 3 scale 4 interview preparation course is available on bankexamstudy.com in which we are covering the entire syllabus all the banking operation topics are covered mock interviews are there documentation support is there the link to join the course is available in the description we can have a long uh, telephonic conversation if you have taken this uh, interview preparation course we can have a call on um, uh, we can have a call for your mock interviews uh, let's book the slot. Tomorrow's slots are free. I am free tomorrow. Pura din hai We can have a long conversations regarding your documentation. I can help you frame your answers. Uh, so a lot of things I can help you with. Book the slots for tomorrow. Okay, list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really really happy for them. If there is any other doubt in your mind, you can drop a WhatsApp message and I'm going to answer your doubts. Uh, my whatsapp number is 9067201000 this is my personal whatsapp number where you can ask your doubts and that's all for today's wound thank you and have a very nice day bye bye